खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां एनसीसी ग्राउंड में चल रहे प्रशासनिक क्रिकेट टूर्नामेंट में जिला प्रशासन टीम और जवा जनपद की टीम के बीच खेला गया, जिसमें जिला प्रशासन ने पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 15 ओवर में 118 रन बनाए। इसके बाद बैटिंग करने उतरी जवा जनपद की टीम दो गेंद शेष रहते ही 106 रन पर ऑल आउट हो गई और मैच जिला प्रशासन की टीम ने 12 रन से जीत लिया। जिला प्रशासन टीम के कप्तान और जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखेड़े और जवा जनपद के एएफओ नागेंद्र सिंह ने मैच के उपरांत गौरव तिवारी को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया है। गौरव ने ऑलराउंडर प्रदर्शन करते हुए बल्लेबाजी में 15 रन बनाए और बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए जवा जनपद के 3 विकेट हासिल किए, जिसकी वजह से जिला प्रशासन की टीम की जीत आसान हो गई। जीत के साथ ही जिला प्रशासन की टीम की लगातार तीसरी जीत इस टूर्नामेंट के खिताब की प्रमुख दावेदार जिला प्रशासन की टीम मानी जा रही है। जाता है सात रन का उतार जाता है, लेकिन बाग नहीं था, कच्चे गुप्पन नहीं चली जाए। अरे सिंगल फीस भी जमा करनी था, मैंने बताया फीस हमारे एडवांस है, बात नहीं वो टीसेल की जमा है, इसके अलावा जमा लोवर आज तक नहीं आया, तो लोवर नहीं आएगा, तो लोवर ये परेशान मत होइए, ये जमा हो गया। चलो अपना ये एक फोटो मैन ऑफ द मैच की। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए, रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।